सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस मैं आया हूँ आज इंडिया गेट और यहाँ पे लगे हैं दो फेस्टिवल। पहला स्वर धरोहर फेस्टिवल 2022 जो कि लगा है पूरे 3 दिनों के लिए, और दूसरा है दिव्य मेला जो यहाँ पे लगा है 2 तारीख से लेके 7 तारीख तक। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या है इसकी डिटेल। बाय द वे शाम का टाइम है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है लाइटिंग के अंदर पीछे इंडिया गेट। सूफी म्यूजिक और लिटरेचर का ये है फेस्टिवल। आज ये लेट शुरू हो रहा है, सैटरडे और संडे को 2 दिन सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगा। तो दिल्ली की सर्दी के अंदर इंजॉय करने के लिए एक और म्यूजिक फेस्टिवल स्पेशली फॉर दिल्लीज, और एंट्री इसकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और सोचिए इंडिया गेट के सामने बैठ के इस म्यूज़िक को सुनने में, बेशक सूफी म्यूज़िक है लेकिन यहाँ के जो कलाकार आएंगे ना वो एक से बढ़कर एक है। तो चलिए मैं आपको यहाँ का शेड्यूल दिखाता हूँ और थोड़ी सी यहाँ की डेकोरेशन और यहाँ का स्टेज कि कहाँ पे क्या क्या परफॉर्मेंस हो रहे हैं, और उसके अलावा यहाँ पे 1-2 फंक्शंस और हो रहे हैं उनकी भी आपको डिटेल में बताता हूँ। और इसी फेस्टिवल के साथ यहाँ पे एक मेला और लगा है, दिव्य कला मेला, और यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। और ये जो लोकेशन है ये है चिल्ड्रन पार्क वाली जो रोड है ना, जो सीधा अंदर जाती है इंडिया गेट के पास, उसके ऊपर। और यहाँ पे स्टार्टिंग में ही लगे हैं बहुत सारे फूड स्टॉल। तो यहाँ पे मिलती है राजस्थानी कचौड़ी समोसे, और यहाँ पे 1-2 नहीं है, पूरी की पूरी लाइन लगी हुई है फूड स्टॉल की। तो एक तरह से फूड मेला समझ लिए। और इसके आगे और लगा हुआ पूरा कनॉट प्लेस, सॉरी पूरा इंडिया गेट के पास। यहाँ पे मिल रहा है देखिए दौलत की चाट मिल रही है इस तरफ, खेमचंद दौलत की चाट जो पुरानी दिल्ली की फेमस है। उसके साथ यहाँ पे मालपुआ, रबड़ी, जलेबी, लिट्टी चोखा। तंदूरी मसाला चाय, फिंगर चिप्स, पान में मिल रहा भैया जी यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी के। और इन्हीं स्टॉल्स के साथ यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट भी बना हुआ है। भैया यहाँ पे एक टिक्की का स्टॉल से अब हम टिक्की खा रहे हैं भैया के हाथ की। गाइस टिक्की का जो टेस्ट है ना बहुत ही अमेजिंग है, दिख नहीं रही ना, ये देखो सब क्या गजब का टेस्ट आ रहा है। अब इसको फिनिश करके थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है। पनीर चिल्ला, आलू चाट, दही पूरी, पापड़ी चाट, और पर नाम लिखा है चटोरी दिल्ली। इधर फिर से नॉनवेज का, तो इस यहाँ पे वेज और नॉनवेज दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, वो भी पुरानी दिल्ली की। और सेटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे 4-5 भी है यार। वह टिक्की खाने के बाद अब ट्राई करने लगे हैं कुल्हड़ वाली चाय भैया की स्पेशल। शाम
शाम की कुल्हड़ वाली चाय इंडिया गेट पे। ऐसी जो दिव्य कला मेला है ना, इसके अंदर एक तो एरिया है फूड कोर्ट एरिया दिस वन, और उसके अलावा यहाँ पे एक क्राफ्ट का एरिया भी है जो कि है इस तरफ। और यहाँ पे ऐसे जगह जगह पे प्रॉप्स लगाए हैं ना, जो आई थिंक पहले भी बहुत जगह हमने मेलों में देखे हैं। तो गाइज ये जो मेला है ना, दिव्य कला मेला 2022 वाला, ये है यहाँ पे 2 तारीख से 7 तारीख तक लगा हुआ है। इस तरफ से शुरू हुआ है और यह इंडिया गेट के पास से होता हुआ आगे तक जा रहा है। तो काफ़ी बड़ी स्केल के अंदर लगा हुआ है। अभी जो मैंने आपको दिखाया ना, वो दिखाया था मैंने आपको फूड कोर्ट एरिया, और इधर जाके पूरी क्राफ्ट की शॉप्स मिलेंगी। तो जो सामने आपको शॉप दिख रही है ना, वो भी इसी दिव्य कला मेला की शॉप्स हैं, और बिल्कुल इंडिया गेट के साथ। और इसी के साथ जो म्यूज़िक फेस्टिवल जिसको मैं देखने आया था, मेरे पीछे अगर आपको वहाँ पर कहीं लाइट्स दिख रही होंगी वो वाली, तो वो लगा हुआ है सिर्फ 3 दिनों के लिए, और अभी आज 4 बजे उसका इनॉग्रेशन था और अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तो फ़िलहाल अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा, तो चलिए वहीं चल के देखते हैं कि कितना अरेंजमेंट हो चुका है अभी तक। बस ये इंडिया गेट के जस्ट बैक साइड के अंदर वो जो वाइट टेंट दिख रहे हैं, वो है दिव्य मेला। पूरा चिल्ड्रन जो पार्क है ना, उसके साथ वाली रोड से शुरू होकर पूरा इंडिया गेट के अंदर तक जा रहा है, और उसी के बिल्कुल यहाँ पे इंडिया गेट के लेफ्ट हैंड साइड में और वहाँ पे लगा हुआ है ये वाला मेला आपका। स्वर धरोहर फाउंडेशन जो ये फेस्टिवल आप तक लेके आई है, इसको 2003 में कलाकारों और कला प्रेमियों ने साथ मिलकर स्थापित किया था। अपने 19 साल के सफर में इस फाउंडेशन ने अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए, जैसे कि शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम, गजल सराई के कार्यक्रम और साहित्य से जुड़े हुए कार्यक्रम। और ये सब इन सब आयोजनों के पीछे हमारा जो लक्ष्य था वो यही था कि संगीत और साहित्य से हम लोग रूबरू रहें और हमारी जो महान बहुमूल्य सांस्कृतिक धरोहर है वो लोगों तक पहुंचती रहे। आज की शाम का आगाज़ करते हुए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जीके पेपर्स की, जो कि आज के हमारे टाइटल स्पॉन्सर्स हैं। मैं इसके साथ ही धन्यवाद देना चाहूँगी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, जिन्होंने हमारा साथ दिया इस प्रोग्राम को साकार बनाने में। तो आज हम इंडिया गेट पे सूफी म्यूज़िक सुनते हुए चाय और चिप्स का मज़ा लेंगे ऐसे। I hope no, I'm sure
people in Delhi understand Punjabi mostly. So it has another Punjabi bowls that I'll sing for you all. राजे मजिया चरणिया राजे मजिया चरणिया दे दुरी रंग कदेड़े लग गया